ऐप सिंह सैनी ने शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अखंड भारत का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, आज हमारे लिए गौरव और गर्व का दिन है। इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के महान कार्यों का भी जिक्र मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उच्च कोटि के राजनेता भी थे और इसके साथ ही उन्होंने आज के दिन को गौरव का दिन बताया और गर्व का दिन बताया। राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नायब सिंह सैनी ने शिरकत की थी। तो आज का दिन कितना खास है, कितना ऐतिहासिक है, ये जिक्र किया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और उनके महान कार्यों को याद किया। राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की मुख्य अतिथि के तौर पर। आज हमारे लिए गौरव और गर्व का दिन है। जो आपने ईवीएम में बैटरी चार्ज की या तमाम बातें की थी वो बिल्कुल निराधार है और सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज की। चुनाव आयोग की ओर से याचिका दाखिल की। मैं माननीय चुनाव आयोग का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समझा है। कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर के चलती है और उन्होंने वो फैसला जो दिया है वो लोगों की भावनाओं का फैसला था। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता, झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें। आज सभी लोग उसको जान चुके हैं, कांग्रेस का जो झूठ है अब वो बिकने वाला नहीं है। मैंने कहा भी था, कांग्रेस ने इस प्रकार का यहाँ पर मोमेंटम खड़ा किया, कांग्रेस आएगी वही कांग्रेस आएगी, रहा कहाँ आएगी कांग्रेस, कहीं दिखाई तो दे नहीं रही थी। परंतु इनके कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको ये नजर आ रहा था अभी कांग्रेस है, उनको तो नजर आएगा। मेरे को लोग पूछते थे, लोग कहते थे मेरे को, कहा बड़ी हवा चल रही, कोई हवा नहीं चल रही, ने कांग्रेस के बड़े नेता है निगर माँ बैठ का कह रहे कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। कांग्रेस तो तब आए ना जब इन्होंने कोई काम किया हो, काम तो किया लूटने का देश को, भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, लोगों को लाइन में खड़ा किया, चार चार दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, उसको तो भूल गए कांग्रेस के नेता, कहा कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी, लोगों ने नकार दिया उस झूठ को और एक झूठ फैलाया था कि संविधान को खत्म करेंगे। राहुल गांधी का भी झूठ नहीं चलेगा उसका, अब सुपड़ा साफ है। और मैं चुनाव आयोग की उस फैसले का स्वागत करता हूं, चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है कांग्रेस के झूठ को नकारा है। तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस को फटकार लगाई। नायब सिंह सैनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से फटकार लगाई गई कांग्रेस को, उसको लेकर ये तंज कसा कांग्रेस का सूपड़ा साफ है। और मैं चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईवीएम को लेकर जब ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे और इसको लेकर शिकायत की गई थी चुनाव आयोग से, चूंकि चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी लेकर के। माननीय चुनाव आयोग का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समझा है। कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर के चलती है और उन्होंने वो फैसला जो दिया है वो लोगों की भावनाओं का फैसला था। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता,
झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें, आज सभी लोग उसको जान चुके हैं। कांग्रेस का जो झूठ है अब वो बिकने वाला नहीं है, मैंने कहा भी था। कांग्रेस ने इस प्रकार का यहाँ पर मोमेंटम खड़ा किया, कांग्रेस आएगी भाई, कांग्रेस आएगी, रहा कहाँ आएगी कांग्रेस, कहीं दिखाई तो दे नहीं रही थी। परंतु इनके कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको ये लग नजर आ रहा था अभी कांग्रेस है, उनको तो नजर आएगा। मेरे को लोग पूछते थे, लोग कहते थे मेरे को, कहा बड़ी हवा चल रही, कोई हवा नहीं चल रही, ने कांग्रेस के बड़े नेता है ने गर्मा बैठ का कह रहेगा कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी, कांग्रेस तो तब आए ना जब इन्होंने कोई काम किया हो। काम तो किया लूटने का देश को, भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, लोगों को लाइन में खड़ा किया, चार चार दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, उसको तो भूल गए कांग्रेस के नेता, कहा कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी, लोगों ने नकार दिया उस झूठ।